वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप अपना तारुफ कराते हैं, पूरा नेम बता रहे हैं। मेरा नाम अली नसीर है, मैं इस शौक में हूँ तो वैसे बहुत पुराना, लेकिन प्रोफेशनली जब परिंदे की समझ बूझ हुई है उसको तकरीबन 3.5 साल हुए हैं मुझे, और इसके अलावा कुछ म्यूटेशन है उनमें भी काम कर रहा हूँ, और कमर्शियल आइटम्स भी काफ़ी रखे हुए हैं, और एक दो एग्जीबिशन वगैरह के भी रखे हुए हैं, बजरीज भी रखे हुए हैं, रिंगनेक्स भी रखे हुए हैं, और कुछ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह भी करते रहते हैं हम लोग। तो जैसे आप बोलेंगे उसी तरह से मैं फिर आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा। मैं आपको चले एक तरीके से ले चलता हूँ, अगर आप आए यहाँ पर देखें तो ये देखें एग्जीबिशन की फीमेल है, इसको हमने नॉर्मल बजरीज के साथ लगाया हुआ है। ये एग्जीबिशन टीसीबी की फीमेल है, ये नॉर्मल बजरी के साथ इसको कपल किया हुआ है, मेल बिल्कुल रेड आई है और फीमेल टीसीबी है, तो इससे माशाल्लाह से हमें बड़े अच्छे साइज़ के बच्चे निकले हैं। और मैंने जो ये जो आपको दिख रहे होंगे ये दो फिशर नॉर्मल ग्रीन, हालांकि ग्रीन नहीं है, ये दोनों डीएनए मेल्स हैं, ये स्प्लिट ऑपलाइन, स्प्लिट ब्लू या पार ब्लू और स्प्लिट इनो मेल्स हैं, ये सीज़न के लिए तैयार हो रहे हैं, एक मोल्ट पे आ गया इसकी वजह से इन दोनों को ही रोक लिया, ये दोनों अलग अलग फीमेल्स के साथ जाके पेयर अप होंगे। अब यहाँ पे नीचे अगर आप देखें तो नीचे जो है ये डेक इनो की फीमेल है, और इसके साथ सॉरी डेक इनो का मेल है और फीमेल जो है स्प्लिट पार ब्लू स्प्लिट यूविंग यूविंग स्प्लिट पार ब्लू की फीमेल है। और इसके नीचे आए तो देखें कि जो कन्वेंशनल जो चीज़ें होती हैं एल्बाइनोज जो है, और नीचे देखें इसके और भी एल्बाइनोज हैं, यहाँ पर देखें कुछ ये सेल्फ हो चुके हैं बच्चे, ये वेट कर रहे हैं कि पीछे वाला पिंजरा खाली हो, तो फिर उसकी बैक साइड पे देखें तो लुटिनोज वगैरह लगाए हुए, ये रेड आइज़ भी हैं और ब्लैक आइज़ भी हैं, ये ब्लैक आइज़ का पेयर है, ये रेड आइज़ भी निकालता है और ब्लैक आइज़ भी निकालता है। और अगर आप इसके पीछे देखें तो ये ऑफलाइन है, लाल सीना लाल दुम जो एक टर्म मशहूर हुई हुई है, रेड हुड ऑफलाइन है, ये भी पॉसिबल स्प्लिट टू टर्कोइज है, और कुछ यूनिक कलर्स होते हैं वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो अच्छी पेयरिंग की वजह से निकलते हैं वो यूनिक कलर शादर और नादर मार्केट में अवेलेबल होते हैं, उनमें से ये एक कलर है, ये देखिए इसका विंग कलर देखें इसका, ये बड़ी डिफरेंट कलर के, और इसके पेरेंट्स ही हैं, इसी का बच्चा एक फॉस्टर हो रहा है, इसी पेयर ने मुझे डेकिनो एक बहुत ही ज़बरदस्त कलर के अंदर डेकिनो दिया है, वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ, मैं पहले इसका बच्चा पकड़ लूँ। ये इसी पेयर का बच्चा है, ये माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त कलर का डेकिनो आया, ये देखें इसमें हल्का सा भी ग्रीन शेड नहीं है, ये देखिए ये स्प्लिट रेड आई है, हमने इसको एल्बाइनोस के साथ लगाना है, हमारे पास क्रिमिनोज आने लग जाएंगे, या लुटिनो स्प्लिट इनो के साथ लुटिनो रेड आई स्प्लिट पार ब्लू या ब्लू, उसके बाद इंशाल्लाह ताला आपके पास क्रिमिनोज के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे करेंगे। ये कुछ पट्टे वगैरह अलहदा हुए हैं इसके अंदर, ऑलिव यूविंग का पीस है एक, ये दोनों पर्सनाटाज हैं, ये स्प्लिट इनोज हैं, ये लुटिनो जो है ये आपको कॉमन लुटिनो नहीं है, ये स्प्लिट ऑफलाइन है, अगर इसमें से मेल जो भी निकलेगा वो स्प्लिट ऑफलाइन होगा, और स्प्लिट ब्लू या पार ब्लू ये हैं। बाकी नीचे देखेंगे डाइल्यूट का पीस है, ये फिशर ये ग्रीन जो है ना स्प्लिट ब्लू के साथ लगा हुआ है, ये डाइल्यूट कलर कहलाता है, ये इसमें लगाया हुआ है, एक डाइल्यूट का पीस आपके लेफ्ट साइड पे है, ये डाइल्यूट का पीस लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं ये है, और इसके ऊपर भी देखें कुछ बच्चे जो है बाहर आ गए हैं, ये एल्बाइनो जो है स्प्लिट रेड आई है और इसके साथ लुटिनो रेड आई का पीस है, तो ये ब्लैक आई बच्चा होगा वो भी स्प्लिट रेड आई होगा, और रेड आई बच्चे भी आते हैं, ये देखें वॉलेट प्योर वॉलेट फिशरी है यहाँ पे, जो वॉलेट कलर माशाल्लाह से देखेंगे एक आपको इसमें कोई भी इसके चेहरे पे ना दाग नज़र नहीं आ रहा होगा, लोग पूछते हैं कि फिशरी कैसा होता है, ऐसा होना चाहिए, एक्चुअल फिशरी है, एल्बाइनो रेड आई के साथ इसको पेयर अप किया हुआ है। यहाँ पर पार ब्लू
यहाँ पर पार ब्लू है यहाँ पे, और एल्बाइनो रेड आई है, ये क्रिमिनो की वर्किंग है, पार ब्लू स्प्लिट इनो है, और सिंगल फैक्टर स्लेटी भी है इसके साथ ये पार ब्लू, और ये पर्सनाटा के पीस है रखे हुए, लेकिन ये इतनी जो है ये फॉस्टरिंग के लिए पेयर है, ये अल्बाइनोज वगैरह इसके अंदर फॉस्टर वगैरह होते रहते हैं। और ये देखें आप ऊपर अगर आप आएंगे तो यहाँ पे मैं आपको स्लेटी बर्ड दिखाना चाह रहा हूँ, ये स्लेटी बर्ड है, ये स्लेटी भी है, और यहाँ पे भी माशाल्लाह से फॉस्टरिंग वगैरह जारी है, एल्बाइनोज वगैरह आ रहे हैं यहाँ पर भी। और यहाँ पे आपके अगर लेफ्ट साइड पे अगर आप देखेंगे, लेफ्ट साइड पे ये सारे फॉस्टरिंग के सेक्शन लगे हुए, इसमें अलग अलग खानों के अलग अलग बच्चे डाले हुए हैं, और साथ में रेफरेंस के लिए लिखा हुआ भी है कौन से केज से कौन सा आया। ये नॉर्मल जो है कॉमन लुटीनोज हैं, ये रेफरेंस पॉइंट लिखा हुआ है कि 14 नंबर बॉक्स का एक बच्चा एक अंडा है, 1 फर्टाइल एग 1.5 का है, और यहाँ पे भी है ऑफलाइन के 3 एग्स यहाँ पर हैं। इस तरह से मैं जो है अपनी मार्किंग भी करता रहता हूँ। अब इसमें से जो ये है, इसमें 9 अंडे थे, 9 में से जो है 6 सिर्फ फर्टाइल निकले थे, और बाकी इसके अंदर हैं, इसके अंदर भी बच्चे वगैरह आए हुए हैं, ये नॉर्मल कॉमन लुटीनोज वगैरह के बच्चे हैं इसके अंदर, कॉमन लुटीनोज हैं पीच फेस के अंदर। और बाकी ये एक कॉलोनी नुमा बनाया हुआ है, मैं हर जो परिंदा होता है उसको तकरीबन 2 स्टेजेस के अंदर ना सेल्फ करता हूँ, एक तो वो माँ बाप के साथ रहे, उसके बाद वो इस केज में आता है, छोटी जगह पे रखता हूँ ताकि परिंदा खाना पीना ना छोड़े, उसके बाद सेकंड स्टेज होती है यहाँ पर आता है, उसके बाद वो कॉलोनी केज में जाता है जो कि अंदर है, वो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा दूसरा सेटअप है, यहाँ पे सारे परिंदे जो सेल्फ कम्प्लीटली हो जाते हैं, खुद खाना पीना खा लेते हैं, उनको यहाँ पे रखा जाता है। आइए मैं आपको कुछ ज़बरदस्त पीसेस दिखाता हूँ, अगर आप कैमरा थोड़ा सा करीब लाएं इधर अंदर कर लें, ये डाइल्यूट का पीस है, देख रहे हैं इसमें पर्पल शेड आ रहा है, अगर आप जूम करें तो आपको बड़ा ज़बरदस्त नज़र आएगा, पूरा क्लियर हेड के अंदर है। ये नॉर्मल ब्लू है, स्प्लिट इनो है, और ये पार ब्लू है, स्प्लिट इनो है, माशाल्लाह पार ब्लू एप्पल सी ग्रीन कलर कहलाता है ये वाला पार ब्लू, ये भी बड़ा यूनिक कलर है, बहुत कम देखने को मिलता है। ये देखिए इसकी बैक साइड से, उसके तकरीबन ज़्यादातर बर्ड्स जो है स्प्लिट इनो है, और स्प्लिट जो ग्रीन कलर के हैं वो स्प्लिट ब्लू या पार ब्लू भी हैं, और आपको इसमें एक पर्सनाटा भी नज़र आ रहा होगा, वो मूव पर्सनाटा, और जो एल्बाइनो है वो भी स्प्लिट इनो, और इसमें एक यूविंग का भी पीस है स्प्लिट ब्लू या पार ब्लू है वो भी। अब वो सारे बर्ड जैसे जैसे सेल्फ होते रहते हैं इधर आते रहते हैं, कुछ बर्ड इसमें से सेल हो चुके हैं, और अभी जो ये हैं ये बर्ड इसलिए रुके हुए क्योंकि ये नेक्स्ट सीजन के अंदर जो है ना ये सारी पेयरिंग होगी इनकी। नीचे ये नॉर्मल जो है लव बर्ड्स का सेशन, ये पीच फेस का है, सारे पीच फेसेस हैं इसके अंदर, ये सारे माशाल्लाह से इसी साल इंशाल्लाह ताला ब्रीड पे जाएंगे। सारे तकरीबन 7-7.5 महीने के हो चुके हैं अभी, तो इंशाल्लाह ताला 1-1.5 महीने बाद इनके भी ब्रीडिंग बॉक्सेस लगेंगे, ये नेचुरली खुद ही अपनी पेयरिंग करेंगे इसके अंदर। और जैसे आप ये देख सकते हैं ये हमारे रिंग नेक की शरारत है, ये जो बाजरा गिरा हुआ है, ये रिंग नेक बार बार हमने खुला छोड़ा हुआ, बार बार आता है बाजरा गिरा देता है, ये
अजी भाई ये केज में एल्बो नजर आ रही है पानी वाली जी, इसके मतलब बताएं कि ये केज में क्या कर रही है। एक्चुअली यहाँ पे एल्बो के अलावा और भी सारी चीज़ें थी, कुछ झूले भी थे, लेकिन इन्होंने काट वाट दिए तो नीचे पड़े हुए थे वो फेंक दिए। अब आपने जो क्वेश्चन किया है इसका आंसर जो है वो मैं इसकी नेचर से दे दूँगा। ये बर्ड्स की नेचर है खेलना, ये बच्चे हैं, ये खेलते हैं कूदते हैं। अगर आप इनको खेलने कूदने की चीज़ें नहीं देंगे तो ये अग्रेसिव होंगे, एक दूसरे को मारेंगे। रीज़न यही है कि मेरे पास इतनी बड़ी माशाल्लाह से कॉलोनियाँ लगी हुई हैं, ये लोग लड़ते नहीं आपस में क्योंकि इनको खेलने कूदने का मवाद मिलता रहता है। अभी हटाया हुआ है क्योंकि ये माशाल्लाह से काफ़ी बड़े हो गए हैं, तो अब इनको सीरियस पेयरिंग करनी है। बाकी इनके इधर जो है ना अभी कुछ टॉयज़ वगैरह जो झूले या घंटी वगैरह जिस तरह से आपने देखा कि रिंगनेक मकाओ वगैरह के लगते हैं वो यहाँ पे लगाएंगे ताकि ये लोग अग्रेसिव ना हो। इनके पास कोई ना कोई हमने इनको एक्टिविटी देनी होती है जिसमें ये अपने आप को मशगूल रखें, और अगर जब इनके पास कोई एक्टिविटी नहीं होती तो फिर ये इनका काम क्या होता है, एक दूसरे से लड़ना। और ये कुछ रिंगनेक्स वगैरह रखे हुए हैं, ये माशाल्लाह से आज़ाद छोड़ा हुआ है इनको। ये भी 6-6 महीने के तकरीबन रिंगनेक हो चुके हैं। अब सेटअप यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, अब आपको तीसरी जगह पे लेके जाते हैं, वो जगह ये है। यहाँ पर भी सेटअप है, आइए। यहाँ पे बजरी तोते रखे हुए, ये माशाल्लाह से मेरे बड़े अच्छे ब्रीडर 3 जोड़े हैं मेरे पास, लेकिन ये 30 जोड़ों का काम करते हैं माशाल्लाह से, बहुत ही अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीड देते हैं। ये माशाल्लाह से इनका पहला क्लच है, ये जो है तो सारे जो है ना ये इन 3 जोड़ों के तोते हैं, पहला क्लच है। अभी दूसरे क्लच पे ये जाएंगे। बाकी वैसे ये केज एक तरह से हॉस्पिटल केज के तौर पे हम लोग इसको ट्रीट करते हैं, कोई परिंदा बीमार हो जाए फटाफट यहाँ पे लाते हैं और परिंदों के पास से हटाते हैं। और आपकी बैक साइड पे पीच फेस जोड़े लगाए हुए हैं, और नीचे जो है वाइट फेस का जोड़ा है। आपको लव बर्ड के अंदर ये ज़रा कम वैरायटी मिलती है, मैं दिखाता हूँ, ये देखें, ये देखें कि यहाँ पे जोड़े इसके चेहरे पे देखें, ये पूरा वाइट फेस है, वरना अक्सर जो है ना पीच कलर आ रहा होता है माथे के ऊपर, इसका ये कहलाता है वाइट फेस, रोजी कोली इसके अंदर वाइट फेस कहलाता है। बाकी माशाल्लाह जिसने ब्रीड दी हुई है, बच्चे भी तकरीबन नियर टू सेल्फी है, ये बच्चे हैं इसके माशाल्लाह से। मेरा पेयर बहुत अच्छा है, ये मैंने अपने एक दोस्त से ब्रीडर पेयर ही ख़रीदा था, और बस उनको दुआएं देते हैं माशाल्लाह से, पेयर उन्होंने बहुत ज़बरदस्त दिया है। बिज़नेस के मुतालिक, हाँ बिज़नेस के मुतालिक देखें, ये बात है कि कराची एक हब है, कराची में बहुत ज़्यादा बर्ड्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वेदर भी बड़ा अच्छा है कराची का, ब्रीडिंग के लिए बहुत अच्छा वेदर होता है, तो कराची में बल्क प्रोडक्शन हो रही होती है बर्ड्स की। और अगर देखा जाए कि दूसरे शहरों में तो उसमें सेलेक्टिव ब्रीडिंग हो रही होती है, एक स्पेशल म्यूटेशन के लिए हो रही होती है। ये दोनों काम जो है ना साइड बाय साइड चलना, इन दोनों का ज़रूरी है, दोनों का चलना ज़रूरी है। हम को इतना बड़ा कमाल नहीं करते 2-4 पेयर लगा कर जो है, मैंने इतने लोगों को मार्केट्स में देखा है वो इतने भर भर के फिशर लेके आ रहे होते हैं, अल्लाह ताला ने कितनी बरकत डाली है उनके काम के अंदर। तो ये देखें, अच्छी मेडिसिन्स देना, अच्छी आप इसको चीज़ें खिलाएं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, अल्लाह ताला बरकत डालता है ब्रीड के अंदर, तो हमारे पास ब्रीड आती है अच्छी। क्योंकि एक गरीब आदमी है जिसने सस्ते जोड़े लगाए हुए, बजरी लगाए हुए, वो हर हफ्ते भर भर के थैले कैसे लेके आ सकता है। हम ये तो नहीं कह रहे कि भाई वो इंपोर्टर से ख़रीद के लाए, बजरी तो इंपोर्टर के पास नहीं है, फिशर तो इंपोर्टर के पास नहीं है, तो एक्सपोर्ट वाले आइटम है। अब वो लेके आ रहा है मार्केट में, इट मीन्स उसके घर पर वो परिंदा ब्रीड कर रहा है, और अल्लाह ताला ने कितनी बरकत डाली है विदाउट एनी सप्लीमेंट्स। तो जो ब्रीड है मैं सबको यही कहता हूँ, ये अल्लाह ताला की तरफ से आती है, इसमें किसी बड़े ब्रीडर का कमाल नहीं है, किसी मेडिसिन का कमाल नहीं है, हम अपने दिली सुकून और तसल्ली कर लेते हैं इसके अंदर, लेकिन ब्रीड अल्लाह नसीब से और अल्लाह ताला के हुक्म से आती है। इस चीज़ को हम लोग मान लें और अल्लाह पे तवक्कल करेंगे, इंशाल्लाह ताला ब्रीड हमारे पास बहुत अच्छी आएगी। चलिए मैं ये बताया कि जिस तरह आपने रूम में सेटअप लगा रखा है, गर्मियों के मौसम में किस तरह मैनेज करते हैं? गर्मियों के मौसम में यहाँ पे गर्मी होती ही नहीं है, गर्मी तो छत पे होती है, यहाँ होती नहीं है। अब पाकिस्तान के मेजर सिटीज़ के अंदर देखा जाए तो पाकिस्तान जो है समर डोमिनेटेड कंट्री है, यहाँ पे समर का रुझान ज़्यादा है और विंटर का रुझान बहुत कम है। मेरे ख्याल में 2.5 से 3 महीने अगर हम लोग बोलें इन शॉर्ट के एक सही तरह की सर्दी, और कराची में मेरे ख्याल में 1.5-2 महीने की मैक्स 2 महीने स्ट्रेच हो जाएगी सर्दी।
तो यहाँ पर सर्दी के लिए हम लोगों ने थोड़े जैसे बल्ब लगाए हुए, आप देख सकते हैं ये टेम्परेरी इसका हल है, क्योंकि अगर हमारे यहाँ पे सर्दी इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती तो हम इसका हीटेड वगैरह इन्वायरमेंट नहीं कर सकते इसके अंदर। बाकी इंडोर जो बर्ड्स होते हैं उनको सिर्फ डेफिशिएंसी होती है विटामिन डी थ्री की। विटामिन डी थ्री का फंक्शन क्या होता है, वो कैल्शियम को परिंदे के जिस्म के अंदर एब्जॉर्ब कर रहा होता है। जब कैल्शियम आप परिंदे को दे दें और उसके बाद विटामिन डी थ्री नहीं हो तो कैल्शियम जो है इसके जो है पास आउट हो जाएगी, उसे परिंदे की सेहत पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए इनको हम इनको एक्स्ट्रा विटामिन डी थ्री करवा रहे होते हैं, कैल्शियम और विटामिन डी थ्री करवाते हैं ताकि इनके बोन्स के अंदर डेफिशिएंसी ना रहे, इनकी बोन्स स्ट्रांग रहे। अच्छा, आपने सबसे पहले बर्ड कौन सा पाला? बजरी। कितने साल पहले? 24 साल पहले। 24 साल से अब तक आप पालते हुए आ रहे हैं? ऑन एंड ऑफ। देखिए, 24 साल पहले मैं सिर्फ परिंदे को देखता था, दाना पानी कुछ नहीं करता था, मुझे पता नहीं था। जो प्रॉपर तरीके से आया हूँ मैं काम में, वो तकरीबन 3.5 साल हो गए हैं मुझे। आपको कौन से बर्ड पसंद है जो आपके दिल के ज़्यादा? जो मुझे नज़रों में अच्छे लगते हैं मेरे लिए बर्ड्स की। अब आपको पेल फेलो पसंद है, आपको 5 लाख का परिंदा पसंद है, लेकिन मुझे वो दिख खूबसूरत नहीं रहा तो मेरे लिए बेकार है। सबके लिए ये रिक्वेस्ट है, जो परिंदा आपको दिखने में अच्छा लग रहा है वो रखें, बेशक वो 500 का हो या 5000 का हो या 5 लाख का हो। दिखने में अच्छा लग रहा है तो आप रखें, मुझे देख के ना रखें, आपको देख के कोई ना रखे परिंदा। परिंदा अपने लिए रखे और परिंदे को अपनी तरह से ब्रीड करवाएं। ऐसा नहीं कि मैं ये चीज़ें दे रहा हूँ, मैं तो अपनी तरफ से ख्याल रख रहा हूँ, मेरा दिल चाहता है मैं इनका ख्याल रखूँ, मैं इनको दे रहा हूँ। आप ये ना करें कि मुझे देख के यार अली दे रहा था तो मैं भी दूँ, नहीं ऐसा नहीं करना आपने। हम लोगों ने परिंदे को अपनी तरह से ब्रीड कराना है। बहुत सारे लोग बजरी को आज तक बाजरे पर रखे हुए, उनके पास माशाल्लाह से बड़ी ज़बरदस्त ब्रीड आ रही है। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप बाजरे पर पालना चाह रहे हैं पालें, आप कंगनी पे पालना चाह रहे हैं पालें, आप मिक्स सीड पे पालना चाह रहे हैं पालें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ दिली तसल्ली होती है। वो कहा ना मैंने, ब्रीड आती है अल्लाह ताला के हुक्म से। बस ये एक चीज़ का ख्याल रखें, परिंदे को इस तरह से कैद करें। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग ने छोटे छोटे पिंजरों में रखे हुए, तो जुल्म ना करें। अब देखें मैंने कितनी बड़ी कॉलोनी दी हुई है सेल्फ के लिए, किसी परिंदे को इंशाल्लाह इसमें तकलीफ नहीं होगी, खुल के इनके पट्ठों की एक्सरसाइज हो रही है। अब छोटे परिंदे केजेस में रखते हैं, जुल्म करते हैं, जुल्म ना करें। मेरे लिहाज से 1.25 का पिंजरा लें या 1.25-3 का पिंजरा लें मिनिमम, इस ज़्यादा मैंने भी 1.25-2.5 का लगाया है पिंजरा, लेकिन अब मैं नेक्स्ट जो करूँगा इंशाल्लाह ताला उसमें पिंजरे लंबे लंबे रखूँगा, जिससे ताकि बर्ड्स को ऑफ सीज़न के अंदर मुझे फ्लाई ना देनी पड़े, वो उसी के अंदर ही फ्लाई करके अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है उसमें पिंजरे से ले लें। मैं ये पूछना चाहूँगा कि बहुत से दोस्त दो बर्ड को दे देते हैं, तो उसके बाद ले लिया एक पेयर, वनडे दे देगा, बारिश कर देगा ब्रीड की, या कभी भी शिकायत आती है कि भाई हमारा लव बर्ड ब्रीड नहीं कर रहा, उसकी क्या वजूहत होती है? देखिए, ये आपने बात करी है, बहुत बड़ा ब्रॉड टॉपिक है ये, अगर इस पर बुक्स लिखी जाएँ तो वो भी बुक्स कम हो जाएंगी। सबसे पहले आपने पूछा, चलें लेट्स सपोज कि आपने बर्ड्स रखे हुए, आप मुझे कहते हैं मेरा परिंदा ब्रीड नहीं कर रहा, मुझे क्या पता। पहला मेरा सवाल, आपने कहाँ रखा हुआ है, किस वेदर में रखा हुआ है, किस ह्यूमिडिटी में रखा हुआ है, कितने साइज से केज में रखा हुआ है, मेल फीमेल कंफर्म है भी या नहीं, मेल बुड्ढा फीमेल यंग तो नहीं है, फीमेल यंग तो मेल बुड्ढा तो नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है मिनरल के अंदर, मेल फीमेल की हमांगी तो है, कि ऐसा ना हो कि जो पेयर है वो एक दूसरे बॉन्डेड पेयर ही नहीं, वो पसंद ही नहीं कर रहा, वो बस ज़रूरत के तहत क्रॉस कर लेता है, उसके बाद फिर उसको नीड ही नहीं होती पेयर की, फीमेल खाली अंडे दे देती है। बहुत सारे रीज़न होते हैं, एयर सेक सिंड्रोम हो जाता है, एग बाइंडिंग सिंड्रोम में फीमेल आ जाती है, फीमेल एग बाइंडिंग से निकली होती है, पेट की तह ख़राब होती है, जो उसको वॉर्म जो होती है बर्ड की वो ख़राब होती है। ये बहुत बहुत वाइड टॉपिक है, बहुत सारे लोग कहते हैं उनके बच्चे निकलते हैं मर जाते हैं, पैराटाइफाइड होता है बच्चों को परिंदे के, उसके लिए न्यूमाइसिन वगैरह कुछ मेडिसिन वगैरह होती हैं, वो आप दे दें उनको, लेकिन अपने करीबी वेट से पूछ के या अपने करीबी ब्रीडर से, टॉप ब्रीडर से पूछें, फिर उसको मेडिसिन वगैरह दें, ऐसे परिंदों को ना दें। मैंने इनको एक दफ़ा भी मेडिसिन ले दी, इनको सिर्फ चेचक की वैक्सीनेशन करवाई थी मैंने, खुद अपने हाथों से करी थी जब इस पर ट्रांसफ़र करा था। एक एक आप नेक्सस बर्ड्स पे देख भी सकते हैं, जब ये परिंदे ट्रांसफ़र हुए थे आज से 2 या 2.5 महीने पहले की वीडियो थी, तो सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है, किस तरह से हमने परिंदे को मेंटेन किया, पेडिग्री मेंटेन करी, रजिस्टर मेंटेन किया, कौन सा किस खाने का बर्ड है, सब A to Z, सबके पैरों में रिंग डला हुआ है। कोई भी परिंदा पकड़ेंगे मैं आपको बता दूंगा ये इस केज से इसका बच्चा है, ये होता है फ़ायदा पेडिग्री मेंटेन करने का। इसी वजह से हमारे पास रिजल्ट अच्छे आ जाते हैं बनिस्बत के लोग जो होते हैं। और अच्छा, लोगों की एक बड़ी बात है, अब आपने करी है तो मैंने कहा कर ही दूँ। अब आप परचेज़ कर रहे होते हैं परिंदा, आप कहते नहीं हमें ब्रीडर पेयर चाहिए, हमें ब्रीडर पेयर चाहिए, हमें ब्रीडर ऐसा पेयर हो जो मेरे घर जाए और ब्रीड कर दे,
गलती आपकी है, आपके पास सब्र नहीं है, इसमें कसूर किसी का भी नहीं है, आपका कसूर है। आप क्यों नहीं टाइम इन्वेस्ट करते? देखिए ये हॉबी है, हॉबी कैसे होती है, हॉबी में बंदा टाइम इन्वेस्ट करता है, ये पैसा बनाने की मशीन नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार मैंने पैसा बनाने की मशीन ले ली है, वो बंदा आप लिख के रख ले, वो बंदा फेल है। जिसको परिंदे की केयर करना नहीं आती, जिसको परिंदे को देख के अच्छा महसूस नहीं होता, सिर्फ ये नज़र आता है कि यार ये एक इन्वेंट्री है मेरे लिए या एसेट है जिसको मैं स्पेंड करूँगा और मुझे पैसे मिलेंगे, गलत, टोटली गलत कॉन्सेप्ट। हॉबी में इन्वेस्ट करें, पैसे के साथ साथ टाइम, लाखों रुपए इन्वेस्ट ना करें, थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करें। आप 500 रुपए से भी ये शौक शुरू कर सकते हैं। आप 1000 रुपए में एक टीशर्ट के पट्टों का जोड़ा ले लें, एक किसी और घर से लें, एक किसी और घर से लें, लेके छोड़ दें, और उसमें मेल फीमेल कंफर्म नहीं होगा, जब बड़े होंगे आपको पता चल जाएगा मेल है या फीमेल है, अगर जोड़ा लग गया तो ठीक है, नहीं तो किसी और के घर से उसके हिसाब से दो फीमेलें ले आएँ या एक मेल ले आएँ, उसको सेट कर लें अपने पास से, फिर देखें आपका सेटअप कैसा चलता है। लेकिन उसके लिए आपको 1.5 साल की मेहनत दरकार है। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, 1.5 साल नहीं, 1.5 महीने में ब्रीड आनी चाहिए, और 45 दिन से 46 दिन नहीं होता, हम 10 लोगों को फ़ोन करते हैं, क्या मेरे पास ब्रीड नहीं आ रही, बताओ मैं क्या करूँ, मेरे पास ब्रीड नहीं आ रही, कैसे आएगी ब्रीड। देखें जो आप उंगली से फिंगर की बात करें, इसको कहते हैं पेल्विक बोन, जो जोड़ होता है बर्ड का, जोड़ों से चेक होता है, लेकिन एग्जैक्टली 100% कोई भी नहीं बता सकता जब तक के बर्ड्स अपने इंस्टिंक्ट शो नहीं करे। जब वो ब्रीडिंग एज के अंदर आता है, जैसे मेल नॉट कर रहा होता है, फीमेल जो है अपने विंग स्प्रेड कर रही होती है, या मेल फीमेल साथ बैठे होते, तो उनमें से एक परिंदा जो होता है वो दूसरे को मार रहा होता है, किसी को करीब नहीं आने दे रहा होता, तो वो फीमेल होती है। काफ़ी सारी इन चीज़ों से भी हमें अंदाज़ा होता है, चोंच से पता चलता है, सर से पता चलता है, पेल्विक बोन से पता चलता है, उनकी हरकतों से पता चलता है, उनके नेस्टिंग मटेरियल उठाने से पता चलता है। वो दो परिंदे नेस्ट में जा रहे होते हैं, तीन परिंदे कभी नहीं जाते, अगर बड़े हैं तो पट्टे तो घुस जाते हैं, बड़े हो तो दो परिंदे कभी नहीं जाते, उनकी आदतों से बदलता, बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन ये वही, अगर आपने टाइम इन्वेस्ट किया, अगर आप यहाँ पे कुर्सी लेके बैठ जाएं, आप देखते रहे परिंदों को, आपको आहिस्ता आहिस्ता इसकी नॉलेज होती रहेगी।